से जो वादे किए थे इसको पूरा करेंगे। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अब गोपनीयता की शपथ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना दादा नीचे अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितेंद्र सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं वासिम अहमद खान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं संदीप कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध। इसी सिलसिले में हमारे साथ मजीद तफसीलात लेकर दिल्ली से हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं शगुफी जी। शगुफी बताइए कि हलफ बर्दारी तकरीब हो चुकी है और आज केजरीवाल का शेड्यूल क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ जाएंगे? जी देखिए, सुबह जब अरविंद केजरीवाल निकले थे अपनी माँ से आशीर्वाद लेके निकले थे, उसके बाद सीधा इस बार वेगनार से नहीं गए, इस बार इनोवा से वो पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। तो शपथ उन्होंने वहां पर ग्रहण की है। उसके बाद ये बताया जा रहा था कि 4:30 बजे कैबिनेट की जो है वो बैठक होनी थी, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, उसके चलते जो है वो बैठक रद्द कर दी गई है। और आगे अभी अरविंद केजरीवाल अपने सचिवालय पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने कुर्सी पर बैठे हैं, वहां पर भी आशीर्वाद लिया है, लोगों से मिल रहे हैं, मुबारकबाद ले रहे हैं, लेकिन जो 4:30 बजे की कैबिनेट बैठक होनी थी अरविंद केजरीवाल की, वो रद्द कर दी गई है। जी जी। और इस सारे तकरीब सुबह से हुई है, सब में कांग्रेस की कनेक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, क्यों? इसकी वजह क्या है, क्यों कांग्रेस इससे सब चीजों से अलग है? जी देखिए, कांग्रेस तो पिछले जो चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव के हैं या विधानसभा चुनाव के हैं, उनमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है, इसलिए कांग्रेस का जिक्र ही एक तरह से अपने आप में एक बहुत बड़ी हंसी की बात है कि कांग्रेस का जिक्र भी किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से लोकसभा और अब दिल्ली में इंतखाब जो विधानसभा हुए हैं उनमें भी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आए। और खबर ये भी थी कि जब वोटिंग का दिन था तब कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, जो कांग्रेस के लोग थे, वो कुछ बूथ पर लोगों से ये बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी को वोट देना। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का एक लक्ष्य था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए थी, और यही वजह रही कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, चाहे वो बैक साइड से किया, फ्रंट आके नहीं किया, लेकिन बैक साइड से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है। और जिस तरह से कांग्रेस का इन सब में कोई भी हाथ नजर नहीं आ रहा है, हालांकि बीजेपी कितनी बड़ी हार हुई है, बीजेपी भी शांत बैठी है, जो बड़े बड़े लीडर्स थे बीजेपी के वो नहीं पहुंचे हैं, खुद नरेंद्र मोदी जो है इस समारोह में नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये साफ हो गया है कि जीत तो ऐतिहासिक आम आदमी पार्टी की है, लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए बीजेपी की और कांग्रेस की, तो एक बहुत बड़ा हार का गम है उनके दिल में जो वो इस टाइम बना रहे हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिल रही है। जी। और बीजेपी के कौन कौन से कायदीन ने इस हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की, और नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सबको दावतनामा दिया था, क्या उन सभी ने इसमें शिरकत की है हलफ बर्दारी तकरीब में? जी देखिए, जो खास लोग थे, मिनिस्टर्स जो थे, वो जो थोड़े बहुत मिनिस्टर्स थे वो इन्होंने शिरकत की है, लेकिन जो मेन लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, वो इस समारोह में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में बहुत बड़ी हार जो है वो बीजेपी की हुई, यही वजह है कि वो अपनी हार को लेकर रामलीला मैदान में नहीं आना चाहते थे। और जो हार उनकी हुई है रामलीला मैदान, उनको वो हार दोबारा याद दिलाता, क्योंकि यही से उन्होंने अपने सपने संजोए थे कि उनकी जो सीएम कैंडिडेट उम्मीदवार थी और किरण बेदी, वो यहाँ से शपथ लेंगी। पूरी उम्मीद बीजेपी को कि पूर्ण बहुमत की सरकार जो है दिल्ली में उनकी बनने वाली है। तो एक हार का गम है, जिस वजह से बीजेपी के जो
लीडर्स हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे और खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इस में शिरकत नहीं की। हालांकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बारामती में जो है एक रैली चल रही है जिसमें शिरकत की और यही कारण उन्होंने दिया कि वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए हैं। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी के लीडर्स की तो बीजेपी के लीडर्स यहाँ इसलिए नहीं पहुंचे कि जिस तरह से उनकी हार हुई है वो हार दोबारा शायद उन्हें रामलीला मैदान में देखने को मिलती, क्योंकि पूरी तैयारी जो है बीजेपी ने कर ली थी अपने जो सीएम कैंडिडेट की उम्मीदवार है किरण बेदी को रामलीला में कि किस तरह वो शपथ लेने वाली है, कौन कौन लोग वहां जाने वाले हैं, उसके बाद क्या प्लान होने वाला है बीजेपी का, आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी।